Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing trigonometry and this is a video lecture number 6. I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching part 6. And today we are going to discuss some questions. In last class we had discussed graphs, domain and range. Today we are going to discuss some problems first and thereafter we will discuss some concept as well. तो आज प्रॉब्लम्स करने के लिए आप लोग तैयार हैं. देखिए ये एक्सरसाइज 3.2 है. इसका पहली एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं. आज इससे क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक फंक्शन, यू नो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. एक फंक्शन दिया हुआ है और बाकी के 5 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है कि x lies in थर्ड क्वाड्रेंट. सबसे पहली बात दिमाग में क्या आती है कि अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan और cot का. तो tan और cot इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव. तो इसीलिए यहां cos की वैल्यू भी नेगेटिव में लिखी गई है. तो tan और cot ये दो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, है ना. तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. अब cos x है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि cos x के बदले आप sec x लिखना चाहेंगे तो sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो 1 by cos x. इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि इसका उल्टा जो है 1 by minus 1 by 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? minus 2. अगर sin x लिखना हो तो हम लिख देंगे minus under root 1 minus cos square x. अब आप सोच रहे होंगे कि minus sin क्यों दिया? तो minus sin इसलिए कि x third quadrant पर लाई कर रहा है और sin क्या होगा? negative. तो इस हिसाब से आप calculate कर सकते हैं इसे minus अंडर रूट 1 minus 1 by 2 का होल स्क्वायर, minus 1 by 2 का होल स्क्वायर. ये हो गया minus 1 minus 1 by 4 यानी 3 by 4. 3 by 4 का अर्थ हो गया कितना? अंडर रूट 3 by 2. तो ये हो गया. sin x का निकाल दिया. अब cosec x का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना. तो cosec x इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. cosec x हो जाएगा minus 2 by root 3. ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं cosec x का, sorry, cosec x का minus 2 by root 3. अब tan x का निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं sin x by cos x, बट ये होगा पॉजिटिव. तो ये sin x by cos x, sin x आपका आया है कितना? minus 1 by 2. cos x कितना आया है? minus root 3 by 2. इसलिए कैंसिल होकर के बच जाएगा 1 by root 3 और cot x जो होगा वो हो जाएगा root 3. लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद नहीं आया होगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग रहा है. एक दूसरा तरीका भी है जिसके आधार पे आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कि cos x जो है वो minus 1 by 2 है और ये है थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कि पाई प्लस थीटा रहा होगा और 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की. तो पाई प्लस पाई by 3, पाई प्लस पाई by 3 यानी ये वैल्यू रही होगी 4 पाई by 3. कम से कम 4 पाई by 3 आप ये मान ले. और भी वैल्यू हो सकती है, 3 पाई प्लस पाई by 3 भी हो सकता है, 5 पाई प्लस पाई by 3 भी हो सकता है. लेकिन ये सिंपलेस्ट पहली वैल्यू हम मान लें तो इसका मतलब हो गया कि x जो है वो है 4 पाई by 3. ये आ गया. अब आप चाहें तो सबकी वैल्यू लिख सकते हैं. sin x का मतलब sin 4 पाई by 3 और ये कैलकुलेट कर लीजिए sin पाई plus पाई by 3. इसका मतलब हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव हो गया, तो minus sin पाई by 3 और वैल्यू हो गई minus root 3 by 2. tan 4 पाई by 3 इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. tan 4 पाई by 3 that is tan pi plus pi by 3. ये भी एक तरीका है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो tan pi by 3 वैल्यू क्या हो गया? 1 by root 3. tan pi by 3
टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू होगी यहाँ पे रूट थ्री, टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू होगी रूट थ्री। यहाँ पे भी ये साइन एक्स की उल्टी वैल्यू लिखा गई है, साइन एक्स ये है, दिस वन इज साइन एक्स, है ना, ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, तो उल्टा लिखा गया। इसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं, साइन एक्स है माइनस रूट थ्री बाई टू और कॉस एक्स है माइनस वन बाई टू, तो ये हो गया रूट थ्री, और कॉट एक्स उसका उल्टा है तो वन बाई रूट थ्री। तो इस तरीके से आप एंगल कैलकुलेट करके भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग दिस एंगल रेशियो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज व्हाटएवर दिस वैल्यू इज गिवन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन एंगल लाइक दिस। सो आपको ये मेथड ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी एक और तरीका है जहां से आप बी बाई एच इसको लिख सकते हैं, पी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों मेथड के अलावा हम इस मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लिखा है कि साइन एक्स थ्री बाई फाइव है, तो साइन एक्स थ्री बाई फाइव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रहे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं पी बाई एच। अब आप एक ट्रेंगल अगर बनाए तो ट्रेंगल बनाने के साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेंगल बनाने के साथ कि ये पी बी और एच का क्या है। देखिए ये एक ट्रेंगल है, अब इसमें हम ये क्यूट एंगल एक्स मान लें, ये यहां पे मान लें एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी हो गया, पी का मतलब यहाँ पे हो गया थ्री और एच का मतलब ये हो गया फाइव। तो बी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड व्हाट इज दैट, एच बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, दैट इज कितना 16, और 16 का कितना हो गया 4, तो बी आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बी 4 आ गया तो इसका मतलब है अब कोई भी निकाले, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है निगेटिव, तो आप लिख सकते हैं टैन एक्स इज इक्वल टू निगेटिव साइन पहले ही दे दीजिए, और टैन होता है पी बाई बी, होता है ना पी बाई बी, पी है आपका कितना 3 और बी कितना है 4, तो माइनस 3 बाई 4 हो गया। कॉट एक्स निकालना है तो आप माइनस 4 बाई 3 लिख सकते हैं, सेक एक्स निकालना है तो आप लिख सकते हैं कितना, सेक एक्स होता है बी बाई एच बाई बी, कॉस एक्स पहले निकाल लेते हैं, कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू बी बाई एच, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये भी निगेटिव होगा, b है माइनस फोर एच है फाइव, sec x इसका उल्टा होगा तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर एटसेट्रा। cosec x निकालना होगा तो cosec x कितना होता है sin x का उल्टा, तो ये हो जाएगा सीधा फाइव बाई थ्री। तो बाकी के फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है कॉटेक्स, कॉटेक्स को कैसे कैलकुलेट करें। ये भी लिखा है यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप थ्री बाई फोर लिखा है, यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं टैन एक्स क्या हो जाएगा 4 बाई 3, 3 और 4 का यानी कॉट एक्स क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है बी बाई पी और ये दिया है 3 बाई 4, यानी बी हो गया 3, पी हो गया 4 और एच कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5। उसी तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अब आपको साइन एक्स लिखना है तो साइन एक्स क्या होगा निगेटिव में क्या होता है पी बाई एच, तो ये हो गया माइनस 4 बाई 5, कॉस एक्स क्या होगा
तो कॉस एक्स होता है माइनस बी बाई एच, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस साइन दे रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस बी कितना 3, ये कितना 5। इसी तरह से सेक एक्स लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, माइनस 5/3। कोसेक एक्स लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स लिख देंगे कितना, तो ये साइन एक्स का उल्टा माइनस 5/3। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू डिफाइंड होगा और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस एक्स आप आसानी से लिख सकते हैं, कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे सेक का उल्टा कॉस एक्स 5/13, यानी बी बाई एच हो गया, ये समझ लीजिए। तो बी कितना हो गया 5, एच कितना हो गया 13, तो पी कितना आएगा 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। अब बाकी के फंक्शन लिखने हैं इसी तरह से, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 144, 144 का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 12। तो इस तरीके से पी 12 आ जाएगा, लेकिन ये कॉमन है, आपको याद होंगे ही होंगे निश्चित रूप से, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो ये इसलिए बता दिया कुछ लोगों को रिकॉल कराने के लिए। अब साइन एक्स कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स होता है कितना, साइन एक्स होता है पी बाई बी, पी कितना है 12, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा निगेटिव, तो बी बाई एच 13। अब कोसेक एक्स लिखना होगा तो इसका उल्टा माइनस 13/12। टैन एक्स लिखना है तो क्या लिख देंगे, ये होता है पी बाई बी, लेकिन निगेटिव है तो 12/5, और कॉटेक्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 5/12। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगी और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। टैन एक्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी, ये है सेकंड में, सेकंड में टैन निगेटिव होता है। टैन एक्स दिया हुआ है 5/12, टैन एक्स इज माइनस 5/12, तो हम ये कह सकते हैं कि पी जो है वो 5 है, बी जो है वो 12 है, और एच आ जाएगा 13, आएगा ना, ये पैथ को अभी ऊपर किया था उसी तरीके से। अब यहाँ पे हमें लिखना है कॉस, तो कॉस एक्स कॉटेक्स क्या हो जाएगा, कॉटेक्स हो जाएगा कितना प्लस 12/5, 10 का उल्टा। साइन एक्स कॉस एक्स लिखना है, साइन एक्स कितना हो जाएगा, तो पी बाई एच, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो पी हो गया 5 और एच है 13। कोसेक एक्स इसका उल्टा है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो 13/5। कॉसेक्स कितना हो जाएगा, अब कॉसेक्स निकालने की बात हो तो कॉसेक्स कितना होगा, तो कॉसेक्स होगा बी बाई एच, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट है ध्यान रहे, तो होगा माइनस बी होगा 12, एच होगा 13, और सेक एक्स इसका उल्टा हो जाएगा माइनस 13/12। तो सारी वैल्यूज आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है 12, पी है 5, बी है 12, ये हो जाएगा 13, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, कल पाइथागोरस ट्रायंगल से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जब ये वैल्यू दी गई होंगी तो उसके कोरिस्पोंडिंग आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए अब कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये जैसे लिखा है साइन 765 डिग्री, ये एक काइंड ऑफ रिवीजन है, अल्दा हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जांपल में बता दिए हैं, बट फिर भी ये जरा देखना जरूरी है। साइन 360, इसको आप लिख सकते हैं साइन 360 × 2, 360 के बाद साइकिल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये साइकिल 360 के बाद कंप्लीट हो जाता है, जीरो, एक पूरी सर्कुलर एंगल 360, एक बार में, दो बार में 720, उसके बाद कितना हो गया बचा कितना, तो 720 से ज्यादा 45 डिग्री, तो ये लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये लाई करेगा यहाँ पे इस एंगल में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 डिग्री।
चूंकि 360 का यानी 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए फंक्शन बदलेगा नहीं, और साइन 145 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। साइन 360 इंटू, या आपको ऐसे अगर नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 90 से डिवाइड करें, 765 है, आप 90 से डिवाइड कर लें, 9 8 72, 72 हो गया, बचा कितना 45, ठीक है। रिमाइंडर, तो ये हो गया 8 × 90 प्लस 45 डिग्री। अब ये आप कहेंगे कि ये 90 का क्या है, ये 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए फंक्शन बदलेगा नहीं, और फंक्शन नहीं बदलेगा, इवन मल्टीपल है तो इसलिए फंक्शन साइन का ही रहेगा 45 का। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई 8 टाइम्स इवन मल्टीपल ऑफ 90 कहाँ लाई करेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लाई करेगा कितना, 2 पाई के मल्टीपल, 2 पाई में यहाँ लाई करेगा, पाई का मल्टीपल 8 पाई, यहाँ 2 पाई, 4 पाई होता है एक बार में, तो 8 पाई कितना होगा, यही पे लाई करेगा 8π/2, ठीक है। 4 × 90, यहाँ पे 8 × 4 के कोई भी मल्टीपल ऑफ 90 होगा, 4 टाइम्स ऑफ 90, ये यहीं पर लाई करेगा, इसमें प्लस होगा तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए आप इसकी वैल्यू 1/√2 लिख सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें आप आंसर लिख पाएंगे। ये देखिए कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, ये 1410 डिग्री हम लिख देंगे माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट हम लेते हैं, ये नेगेटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम पहले माइनस लिख देंगे। अब माइनस कोसेक 1440 को फिर ब्रेक करते हैं, कोसेक 360 × 4, 2 करने से 720 एंड 4 टाइम्स करने से 1440 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1410 है, इसका मतलब 30 कम है, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइकिल, जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आ रहा है 4 × 360 आ रहा है 4 चक्कर, लेकिन माइनस है, इसका मतलब एंगल किस में लाई करेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस कोसेक 30 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस, प्लस कोसेक 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2, साइन 30 का उल्टा, तो ये आंसर हो जाएगा 2। फंक्शन नहीं बदलेगा, इस लाइन के अबाउट जब भी ट्रांसफॉर्म होगा, इस लाइन के ऊपर या नीचे, इस लाइन के ऊपर या नीचे, तो फंक्शन नहीं बदलता है, ये बात आपको पता है। ऐसा भी हमने पहले एग्जांपल दे दिया हुआ है, टैन 19π/3, इसको आप लिख सकते हैं टैन 6 × 3 = 18, 6π + π/3, आपको पहले हमने बता रखा है, यहाँ पर क्या लाई करता है, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पे क्या लाई करता है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन पॉजिटिव, तो ये होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं तो टैन भी पॉजिटिव होगा, टैन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3, तो ये हो गया √3, ठीक है। तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां भी जरूरत हो वहां पे आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन माइनस थीटा, इसको हम पहले लिख देंगे, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस साइन 11π/3, 11π/3, अब 3 4 12 हो रहा है, इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं साइन 4π − π/3, 4 3 = 12, 12 − 1 = 11, सो व्हाट विल हैपन, ये 4π − θ इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट लाई करेगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस, तो ये एक और माइनस हो जाएगा, माइनस साइन π/3, सो व्हाट विल हैपन, माइनस माइनस प्लस साइन π/3, और π/3 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो इस तरह से ये आंसर होगा। एक और देख लेते हैं,
ये है कॉट माइनस थीटा एच माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, और इसको आप लिख सकते हैं 4 4 16 कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4। 4 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, ये लाई करेगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? माइनस, तो एक और माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, एंड कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया आंसर। अब हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले का। बेसिक फॉर्मूला में क्या है अभी इसी एक्सरसाइज का करना है। बेसिक फॉर्मूला कुछ साइन जो टेंथ में आपने पढ़ा है थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसमें और कोरिलेट लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसी तरह से साइन थीटा अगर लिखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला होता था आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें अगर हम कहें तो आगे जा करके क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तीसरा फॉर्मूला भी आपने सीखा होगा, ये जस्ट बेसिक रिकॉल करा रहे हैं ताकि आगे के फॉर्मूले के पहले आप इन चीजों को याद रखें। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला जो बेसिक आपने पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। बाकी एंगल का कन्वर्जन sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये सब तो आपको याद होंगे ही होंगे, है ना। अब आगे आज से सीखना है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें अच्छे से, और फिर अगली क्लास में आगे की बात होगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ थ्योरी बताएंगे, और टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।